लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था भाई कि सबसे पहले जीव आया किधर था, सबसे पहले किधर आया था, समंदर में। कहां पर आया था? समंदर में। कितने साल पहले आया था? 300 करोड़ साल पहले। कितने? 300 करोड़ साल पहले। अरे लव कितने सौ करोड़ साल पहले हुआ था? 300 करोड़ साल पहले। पहला जब पढ़े थे अपन ने तो 300 करोड़ साल पहले धरती धरती तो बनी बेटा 460 करोड़ साल पहले। 460 करोड़ साल पहले धरती बनी है, इसमें किसको डाउट है? फिर बोलते हैं कि 350 करोड़ साल पहले कुछ भी धरती पे था नहीं। फिर 300 करोड़ साल पहले एक जीव आया। क्या आया? जीव। जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जीवाणु उत्पन्न हुए थे पानी में। तो पानी में सबसे पहला जीव आया जिसे कहते हैं एक कोशिकी जीव। कौन सा जीव? एक कोशिकीय जीव। जिसके पास एक कोशिका होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। लाइक आपका अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना वगैरह एक कोशिकी सजीव है। उसके बाद धीरे 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 इंसान आ गए। क्या आ गए? इंसान। क्या सर इंसान क्या एक ही बार में आए? नहीं बेटा, हमको ऐसा मालूम पड़ता कि 20 लाख साल पहले कुछ मानव थे जो कि थोड़ा उठ के चलना शुरू कर दिए, मतलब दो पैर पे चलना शुरू कर दिए। उनका नाम मैंने आपको बताया था आखेटक खाद्य संग्राहक था, ये हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। नॉर्मल सबका नाम, किसी उस जाति का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ उसका काम क्या था, आखेटक खाद्य संग्राहक, जो कि दो पैरों पर चलते थे। पूर्ण रूप से मानव थे? इज दैट क्लियर? अभी देखते क्या है, ये आप देखोगे ये तो अभी आगे आने वाला, टेंशन नहीं लेने का। सात की आकृति में भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। भ्रूण मतलब क्या होता है? जो पेट में, ये तो इन जीव की बात की है, भ्रूण मतलब क्या होता है? जो पेट में जो बेबी होता है, छोटा बेबी, सबसे छोटा स्टेज, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण। क्या बोलते हैं? सात की आकृति में विविध संपृष्ट रज्जु प्राणियों में भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों की तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफी समानता दिखाई देता है। मैंने कल भी अपन लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, इसके पहले वीडियो में क्या देखा था अपन ने कि प्रकृति का चयन का सिद्धांत। क्या देखा था? प्रकृति के चयन का सिद्धांत। प्रकृति जिसका चयन करती है वही इस प्रकृति में रहता है, ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। उनका एक बुक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, धरती पर लोग आए कैसे, धरती पर जीव आया कैसे। बेटा इधर ध्यान देने का, रे इधर ध्यान दे, साइंस है फिर, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। नाम क्या है साइंटिस्ट का? डार्विन। क्या नाम था? डार्विन। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का नाम बेटा हिंदी में नहीं, यही पढ़ना पड़ेगा। उनके बुक का नाम क्या है? तो उन्होंने ये बुक लिखा था, उस बुक में लिखा था इवोल्यूशन ऑफ जीव, जीव आया कैसे है, उसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया। बाद में बोला प्रकृति के चयन के हिसाब से उन्होंने उस बुक के ऊपर लिखा है। फिर लोग मानने लग गए भाई, जब ये बुक उन्होंने पब्लिश किया बाद में लोगों को लगा हाँ भाई कि जो सबसे पहला जीव है वो कहां पर आया था? पानी में, और हम भी उसी के क्या हैं? वंशज हैं। यस या नो? यस। इसके पहले आपने अवशेषांग भी पढ़ा था, यस या नो? यस। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपने पिछले कुछ वीडियो में कवर कर लिया है, आगे देखते हैं। और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है, प्रारंभिक अवस्था में समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे ऐसा प्रमाण मिलता है। ये पेट, अरे ये पेट के अंदर का सिस्टम है। ये देखो, आप कभी वीडियो देखोगे साइंस का, अभी आपके पास टाइम रहेगा कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना, नॉर्मल जब बच्चा 10 दिन का या 15 दिन का या एक महीना का होता है माँ के पेट में, उसका कुछ शेप नहीं होता है, कुछ शेप होता है? नहीं। जैसे 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 टाइम बढ़ते रहता है, टाइम बढ़ते जाता है, उसका शेप बनता जाता है जिसमें डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यस या नो? डीएनए, जब मैंने आपको बताया था सबसे पहले बताया था कोशिका बनाई थी, क्या बताया था? कोशिका, अरबों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना, यस या नो? अब कोशिका के केंद्रक में होता है, क्या होता है? केंद्रक। क्या बताया था? गुणसूत्र।
क्या होता है? गुणसूत्र, जो कि एक्स के आकार का होता है। यस या नो? यस। उस गुणसूत्र को गुस्से में आके काटा जाए तो उसमें से एक सीढ़ी जैसा कुछ निकलता है, DNA। उसे क्या बोलते हैं? DNA। और DNA को जब विच्छेद किया जाए, तोड़ा जाए, तो उसमें क्या रहता है? RNA। जीन। जीन क्या होता है? जीन। विष्णु नका DNA के प्रोसेस से जीन बनता है, वो RNA का प्रोसेस अलग था वो। तो जो भी इंफॉर्मेशन गुणसूत्र में DNA में स्टोर रहता है, वही गुणसूत्र, वही DNA, वही जीन माता पिता के द्वारा पुत्र में जाता है, या पुत्री में जाता है, या बेबी में जाता है, या भ्रूण में जाता है। और जैसा इंफॉर्मेशन उसमें लिखा रहेगा, वही इंफॉर्मेशन वो धीरे धीरे ट्रांसफर होते रहेगा, और आफ्टर मंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने के बाद फिर वो एकदम पूर्ण रूप में आ जाता है। यस या नो? यस। तो डार्विन ने क्या बोला? हम भी साला करके वो जानवर के ही प्रमाण है, हम भी उसी जानवर की, ऐसा डार्विन ने बोला। किसने बोला है? डार्विन। सर व्हाट इज प्रूफ? क्या है प्रूफ? यह है कभी कभी कुछ मिस्टेक्स के वजह से बच्चे का इंसान के बजाय किधर कभी सूंड बड़ा हो जाएगा, किसी को 4 आंख हो जाएगा, किसी को 15 हाथ हो जाएगा, किसी को 2 सर आ जाएगा। यस या नो? यस। तो ये कहीं ना कहीं ये साइड ये हमको प्रकृति बताना चाह रही है, देख भाई तू भी उसी में से आया है। यस या नो? यस। तो क्या डार्विन का सिद्धांत सही है? यस। हमारे पास कुछ भी ऑप्शन भी नहीं है, मानना ही पड़ेगा। यस या नो? यस। तो भ्रूण समझ में आया क्या होता है? यस या नो? यस। इसमें यह बताना चाह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी जीव असमान होते हैं। क्या होते हैं? समान। बेटा मेंढक देखा है बचपन में? मेंढक जब एकदम पैदा होता है तो मछली जैसा दिखता है। मेरे को बहुत बार उल्लू बनाऊ मैं बचपन में, हाँ मेरे को मछली से बहुत प्यार। बोला अपन टैंक बिंग में रखेंगे बोतल विटल में, पकड़ पकड़ के गटर में से लेके जाता था, एक गटर था उधर बेके जाता था, और 5-7 दिन के बाद उसका पैर निकल आता था। तो समझ में आ रहा है? तो वही सिस्टम यहाँ पर है, प्रारंभिक अवस्था में सब कुछ क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? ये देखो कछुआ है, मुर्गी है, सुअर है, गाय है, खरगोश है, उसके बाद मनुष्य। किसी को कुछ डाउट है इसमें? No, एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा धार्मिक में आना पड़ेगा मेरे को, आना तो नहीं चाह रहा फिर भी देख लेते अपन। अगर आप विष्णु देव के अवतार देखोगे, सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। क्या है? सबसे पहला अवतार मछली का। वो खुद इनडायरेक्टली बताना चाह रहे कि इंसान की जो उत्पत्ति है कहां से हुई है? पानी से। पानी से ही पूरे इंसान नहीं, धरती पे सभी प्राणियों सभी प्रजातियों की उत्पत्ति कहां से हुई है? पानी से। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। देखो यहाँ पर सुअर भी है, कुर्मा अवतार सुअर अवतार नहीं है? यस या नो? यस। कछुआ भी है, अवतार है कि नहीं है? मनुष्य का तो है ही, गाय है? है। सब तो पढ़ा हुआ है इसी में, बड़ा अपन साइंस पढ़ रहे हैं, हम इस पे भूल बिलीव नहीं करते, हम वी नॉट बिलीव मिथोलॉजिकल चीजें में, हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस का बोलने का मतलब ये है प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूण एक समान होते हैं। इसमें किसको डाउट है? आगे देखते हैं। अब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत। क्या नाम है? डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत। प्रकृति का चयन मतलब प्रकृति जिसका सिलेक्शन करती है वही इस धरती पर रहता है। वैसे तो बेटा डायनासोर से पुराना क्या है? सार। डायनासोर तो खत्म हो गया, सार अभी भी है। इज दैट क्लियर? यस। पूरे बगुला का है। चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। विभिन्न प्रदेशों के वनस्पति प्राणियों के असंख्य नमूने इकट्ठे किए और उनके निरीक्षण से डार्विन ने जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला? जो सक्षम है वही अपना अस्तित्व बना के रखता है। बेटा आप जंगल में जाओगे, सपोज आपको अमेजन में छोड़ दिया, आप अगर सक्षम रहोगे तो अमेजन में भी पूरा जिंदगी जी सकते हो, अगर सक्षम नहीं रहोगे तो 1 सेकंड भी रह सकते नहीं। तो वही बोला है इस प्रकृति में जो सक्षम है वो जिंदा रहेगा नहीं तो मर जाएगा। किसका नियम है ये? डार्विन का। IMP क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, ध्यान में रखो।
यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रसिद्ध है। यही प्रकृति का चयन है। क्या है? इज दैट क्लियर? डार्विन ने इसके लिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक की प्रसिद्धि की। ये बड़ा डेंजर है डार्विन, ये ज्योग्राफी में भी आ जाता है। मैं कर रहा हूं, हमको बताया गया था फर्स्ट सेम में, सबसे पहले यही दिखाया गया था डार्विन के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक से बहुत लोग प्रभावित हुए, ज्योग्राफी क्या है? नथिंग बट साइंस। उसमें भी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पढ़ना पड़ता है, हमें इवोल्यूशन ऑफ अर्थ समझना पड़ता है, धरती का निर्माण कैसे हुआ है। तो बेटा धरती के निर्माण में तो इंसान का निर्माण नहीं होगा, यस या नो? तो हमको ये डार्विन उधर भी है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजाति, स्पीसीज मतलब प्रजाति, ओरिजिन मतलब इवोल्यूशन, आया कहां से। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की प्रजाति आई कहां से है, और कहां से बताया था? पानी से। कहां से? पानी से। आगे देखते, इसमें स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? पुनः उत्पादन करते हैं। पुनरुत्पादन मतलब पुनः अपने, देखो हर सजीव अपने ही समान सजीव का क्या करता है? निर्माण करता है। गाय को आदमी पैदा करते हुए देखा? नहीं। यस या नो? यस। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, आगे देखते हैं। यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जो एक प्रकार से जानलेवा होती है। यस, जंगल में शेर है, शेर हिरण को खाएगा, हिरन अपने वाले छोटे से खाएगा, छोटे वाले उससे छोटे से खाएगा, छोटे वाले उससे छोटे से खाएगा। प्रतिस्पर्धा चलती है कि नहीं? यस या नो? यस। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दिखाता है वह जीवित रहता है, परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूं शेर से कोई नहीं जीत सकता। यस, यस या नो? यस। शेर सबको मार के खा जाएगा बेटा, एक दिन शेर भी मरेगा। Yes or no? Yes. और जब सबको मार के खा जाएगा तो क्या घास फूस खा के जिंदा रहेगा? तो बोलते ना, यही कहते हैं प्रकृति का चयन का। इस धरती पर, इवन धरती भी ये नहीं कह सकती कि मुझे कोई मार नहीं सकता। ध्यान में रखो, अगर मैं बोलूं मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो मेरे से बड़े 700 बिलियन पीपल है इधर धरती पे। अगर समंदर को भी घमंड आ जाए, अगर समंदर को घमंड आ गया कि मैं सबको 2 मिनट में डुबा दूंगा, समंदर है इतना, समंदर इतना जमीन, 70.80% पानी है धरती पर पूरा, बाकी का बचा हुआ जमीन। अगर समंदर को घमंड आ जाए कि भाई मेरे को गुस्सा है, मैं तेरे को लेके चला जाऊंगा, 1 मिनट एक जमीन भी नहीं देगा, तो उसका भी घमंड टूटेगा। कैसे? सूर्य की प्रकाश नहीं। बोलने का मतलब ये है, समंदर को एक बार घमंड आ गया। अब लो तुमको एक स्टोरी सुनाता हूं, क्या बोलता है? धरती को डुबा दूंगा, धरती को डुबा दूंगा। मैंने क्या बोला है कि इस धरती पर किसी का चलने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। तो ये क्या बोलता है? मैं सबको डुबा दूंगा, मेरे को कोई डुबा नहीं सकता, तो कोई है क्या मेरे को हरा के ले गए? तो बोला ठीक है, एक ही तेल की एक बूंद उसके ऊपर गिरी और तेल ने क्या बोला? तेरे में दम तो डुबा के दिखा, तेरे में दम तो डुबा के दिखा। वो पार करके चला गया और इतना बड़ा समंदर एक बूंद को डुबा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर धरती सोचे कि मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं सबसे डेंजर है, तो धरती के जैसा आठ है, बाजू में सूरज मामा भी है, काम हो जाएगा। और सूरज सोचे मुझे घमंड है, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो सूरज के जैसे हजार करोड़ अरबों है। यस या नो? यस। अब मिल्की वे आपकी जो गैलेक्सी, अगर ये को घमंड है मेरे को, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो बेटा इसके जैसे अरबों है। समझ में आ रहा है कि बोलते ना अगर आप सोचो मैं बेस्ट हूं, तो कोई दुनिया में बेस्ट नहीं। आगे ध्यान देते, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। यही होता है ना प्रकृति का चयन, प्रकृति का चयन। जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा अपने भिन्न भिन्न विशेषताओं के साथ नई नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। यस, जो जीवित रहेगा वो अपने ही जैसे समान प्रजाति का निर्माण करेगा, और जो मर गया वो खत्म।
यस या नो? डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बहुत ही दिनों तक सर्वमान्य रहा, परंतु बाद में उसमें कुछ विषयों के संदर्भ में विरोध किया गया जिसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बोलते कुछ समय तक इनका सर्वमान्य था, हर जगह सब मानते थे। एक बात बताओ, मैंने अगर किसी चीज को कुछ बताया, आपके पास कुछ ऑप्शन है? डार्विन जब लाया इस बात को, कुछ किसी के पास कुछ ऑप्शन था? नहीं, तो मानना तो पड़ेगा। फिर जब लोग उसके बारे में स्टडी किए, फिर कमियां निकालना शुरू किए। देखते क्या है। पहला, प्राकृतिक चयन या एकमात्र मुद्दा उत्तर क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। बोले कि आप बोल रहे हो प्रकृति जिसका चयन करती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसी से उत्क्रांति हुआ है। उत्क्रांति मतलब हर चीज उसी से उत्पन्न हुई है। हर चीज प्रकृति के ऊपर चयन नहीं करती, ऐसा बोला जा रहा है। कमियां देखो कैसे निकाला जा रहा है। दूसरा कमी, उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तन का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। सही बात है, क्या उपयोगी है और क्या नहीं है उसके बारे में कुछ डार्विन ने बोला नहीं। आगे देखते हैं, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया। सबसे पहला लाइन अपन ने यह पढ़ा था, क्रमिक परिवर्तन होता है। यस या नो? धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन होता है, पर यह नहीं बताया परिवर्तन क्या होता है। तुमने तो बता दिया धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन होता है, पर परिवर्तन क्या होता है वो तो बताओ। या धीमी गति से क्या परिवर्तन होता है और तेज गति से क्या परिवर्तन होता है, ये हमारे डार्विन साहब ने बताया नहीं। और आगे देखते हैं, ये और द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ है। इतना बेइज्जती कर दी है। बोलते जो आपने बोला एकदम समझ लो पत्थर के समान है, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये इनका सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है बेटा? डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत। यस या नो? ये आप पेपर में लिख सकते हो कि जो कुछ डाउट है। अगर किसी ने बोला बोर्ड के पेपर में आया डार्विन के संदर्भ में विरोध किया गया जिसके महत्वपूर्ण मुद्दे लिखिए, तो लिख सकते हो आप ये तीन मुद्दे। जो कुछ डाउट है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन यही इंसान है, यही है जिसने प्रकृति का चयन का सिद्धांत लाया था। यही है, देख लो इसको, देख लो ये अंग्रेज है। क्या है? उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया था? उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सजीव की सभी प्रजातियां एक समान पूर्वज से क्रम से हजार वर्ष के कालखंड में विकसित हुआ। इसका एक ही बात बोलना है, जो जिस जैसे मेरा पूर्वज और मछली का पूर्वज, धरती पे जितने भी पूर्वज है सबके एक ही है। इट मीन्स सब एक ही जगह से आए हैं, बस क्रमिक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है ध्यान में रखना है। लास्ट लेक्चर में अपन ने मैं आपको बताया था परिवर्तन हुआ है निरंतर, पर धीमी गति से, पर क्रमिक परिवर्तन हुआ। कैसा हुआ है? क्रमिक परिवर्तन। यस या नो? यस। ध्यान में रखना। अब देखो लैमार्क वाद, क्या देखना है? लैमार्क वाद। अब ये क्या बोलता है देखते चलते क्या क्या लफड़ा हुआ है। उत्क्रांति होते समय सजीव की शरीर रचना में परिवर्तन होता है। यस या नो? पहले इतना छोटा था, इतना था, इतना था, आज इतना बड़ा हो गया, हाथी हाथी हो गया, वेल वेल हो गया, सार्क सार्क हो गया, तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है। yes. इसमें किसी को डाउट है? yes. आगे देखते हैं। यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर निर्भर होता है, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया। बोलते जो परिवर्तन उसके शरीर में हो रहा है, या तो उसके द्वारा वो कोशिश किया जा रहा है, या तो उसके आलस पर निर्भर करता है। सर ये क्या लफड़ा हो गया? एक बात बताओ, अभी वो कल्याण इतना दौड़ता उड़ता है, देह शरीर बनाता है, तो उसका शरीर कठोर रहेगा कि नहीं रहेगा? स्ट्रांग रहेगा कि नहीं रहेगा? और मैं दिन भर अगर सोते रहूं तो मेरा शरीर कैसा रहेगा? कड़क रहेगा। तो बोलते हैं कि जो शरीर में परिवर्तन होता है वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है तो शरीर हार्ड रहेगा, अगर सो रहा है, आलसी है, तो फिर आलसी जैसा शरीर भी रहेगा। वो आपके ऊपर है। यस या नो? अब आप दिन जो आदमी हरदम मर्सिडीज से चलता है,
100 मीटर दौड़ा दिया जाए तो क्या होगा, खून फेंक देगा या सिर्फ नो, क्योंकि भाई अब फूल हो चुका है, क्या हुआ है, आज जो दिन भर धूप में खट रहा है उसको प्रभाव गिरेगा। तो जैसा देखो एक बात और मेरे पिताजी खुद बताते हैं, ये जो शरीर है ये बहुत सुकुवार है, कैसा सर, जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा, आप अगर चाहो तो पत्थर बना लो, पत्थर को भी इस पे मारोगे टूट जाएगा पत्थर, इतना कड़क हो सकता है ये शरीर, लोहा हो जाएगा, लोखंड। पर अगर आप चाहो तो कापूस के समान नरम भी हो सकता है। एक एक योगा वाले हैं बेटा इतने लंबे लंबे होते, एक बॉक्स में पैक हो जाते हैं, कैसा कैसा शरीर मोड़ देंगे कुछ पता भी नहीं चलेगा, हड्डी तो है मुड़ कैसे रहा है, इतना मेरे कितना शरीर का आदमी इतने बड़े बॉक्स में आ जाता है मालूम है, ये तोड़ देगा पूरा शरीर पीछे से मोड़ देगा, वो आपके ऊपर है, चट्टान बनना है कि नरम कापूस बनना है। तो जैसा आप ढालोगे वैसा ये ढलेगा, भले बेटा आपके पास 364 या 1000 हड्डी रहने दो, योगा वाले के पास भी उतना ही हड्डी है, क्या कम है क्या। हम योगा डे के दिन गए थे बेटा, वो लड़की थी कि क्या थी, रबड़ थी, ये मुंडी बाबा कमर पे टच कर दिए, लात इधर मुंडी पे रख दी धार करके, गायब लड़की जैसे डब्बा बन गई लड़की, कुछ है ही नहीं जैसे शरीर में, ये रीढ़ वीढ़ की हड्डी है कि रबड़ लगाया क्या मालूम। और ये कैसा है, और जिम वाले ऐसे हो जाते हैं शरीर कि ये हाथ इधर तक नहीं जाता उनका, इधर फोन पे बात नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा शरीर, ये इतना निकल जाएगा कि ऐसा होएगा नहीं तो बेटा क्या करें, समझ में आ रहा है। तो ये लैमार्कवाद यही बोलता है, उत्क्रांति के समय शरीर की रचना में परिवर्तन होता है, पर वो जो परिवर्तन होता है वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यस या नो, लैमार्कवाद समझा। तो जो भी शरीर में परिवर्तन होता है वो उस आदमी के ऊपर, हार्ड वर्कर है तो हार्ड होएगा और आलसी है तो आलसी। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत भी कहा है। इंद्रियां, अरे बाप रे बाप, इंद्रियां कितनी होती हैं, सात, पांच की सात, सही ना, मेरे को तो सुना सात होता है, इंद्रियां सी पांच, कौन सी, वो इंद्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं शरीर के अंदर की इंद्रियों की बात कर रहा हूं। सात होता है, कितने होते हैं, सात, आप भी सही हो, नहीं वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बट जो मैं इंद्रियों की बात कर रहा हूं वो अलग है। सर वो इंद्रियों की बात क्या हो रहा है इधर, पहले के लोग जो होते थे जैसे गौतम बुद्धा हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग बेटा एक बार जो पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा था। यही इंद्रियां हैं जो आपको सांड जैसा मजबूत बना देती है, और यही इंद्रियां हैं जो कापूस के समान नरम बना देती है, कंट्रोल करने आना चाहिए, यस या नो, यस। इसे ही इन्होंने क्या कहा है, इंद्रियों का उपयोग और अनुपयोग सिद्ध किया है। आप बेटा रोज सुबह उठो 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसमें थोड़ा योगा करो, योगा भी छोड़ो, आप सिर्फ ध्यान में बैठ जाओ, आंख बंद करके सिर्फ क्या करना है, आपके सांसों पर ध्यान देना है, एक दिन दो दिन चार दिन छह दिन आठ दिन 15 दिन महीने भर, यस 15 दिन महीने भर, 2 महीने भर नींद आएगा, उसके बाद फिर अपने आप तुमको बेटा अपने शरीर में ना इतनी ताकत की अनुभूति होगी पूछो मत, भले तुम जिम नहीं करते रहो, क्योंकि जो तुम्हारी इंद्रिया आप क्या हो, तुम्हारे कंट्रोल में है, समझ में आ रहा है, यस या नो, आगे देखते हैं। इसके भी आगे जाकर उन्होंने ऐसा कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तानकर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। देखो क्या बोल रहा है, बोलते पहला जिराफ समझो इतना छोटा था तो वो ऐसा मुंडी ऊपर करके ऊपर का खाया, तो बेटा जब मुंडी खींचेगा तो इसमें क्या आएगा, तनाव, तो धीरे धीरे तनाव आते 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 आज जिराफ इतना बड़ा हो गया है कि मुंडी दिखती है सिर्फ उसकी, यस या नो, यस। सर और एग्जांपल मैं बताता हूं, देखो ये हाथ है, इसको तुम 10 साल तक ऐसी किए रहो बेटा, फिर तुम्हारे में दम है नीचे करके दिखाओ,
20 लोग पकड़ के भी नीचे करेंगे होगा होगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा फिर। हाँ यस, वो बॉक्सर का नाम मालूम है, टाइसन नाम है, माइक टाइसन क्या नाम है उसका, वो जो बॉक्सर है बहुत बड़ा दुनिया में, माइक टाइसन नाम है, क्या मालूम नहीं, ध्यान में नहीं आया, नहीं बताता हूँ, दुनिया का सबसे महान बॉक्सर है वो बेटा, उसकी जो गर्दन इतनी है, ये इतनी बड़ी है सर, कैसे वो बचपन से ना ऐसा सो करके मुंडी ऐसा ऐसा घुमाता रहता था हरदम, इसीलिए उसकी गर्दन इतनी बड़ी है, तो जैसा आप ढालोगे वैसा ही ढलेगा, यही इसने बोला है। आगे देखते हैं, उसी प्रकार लोहार के कंधे घने के प्रकार से मजबूत हुए। देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जब मिट्टी नरम होती तभी तो घड़ा बनता है, सूखने के बाद बनेगा, सूखने के बाद क्या बनेगा, फिर टूट जाएगा, यस या नो? आप शुरुआत से अपने बॉडी को उस तरीके से लाओ तो आपकी शरीर भी वैसे ही बनते चलेगी। शुतुरमुर्ग, ईमू आदि पक्षियों के पंख उपयोग में न लाने के कारण कमजोर हुए। शुतुरमुर्ग उड़ सकता है? नहीं। उड़ सकता है क्या? नहीं। तो ये सब चीजें जो है, ईमू ये भी एक पक्षी प्रकार का, ये भी बंद हो गया जब हरियाव से सांग बोला था ना, मैंने पढ़ा था ना, जो शरीर के जिस पार्ट का उपयोग करना हमने बंद कर दिया वो अपने आप खत्म हो गया, उसे क्या कहते हैं, अवशेष। वही बातों को ये भी बताना चाहते हैं, आप जैसा जिसका उपयोग करोगे वैसे ही आपका आपका दिमाग भी वही हाल है ना, देखा जाए दिमाग भी वही है, यस या नो? आप जितना दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना ही तेज दिमाग चलेगा। अब 2 महीना मत इस्तेमाल करो देखो, फिर आप 3 महीना लिखना बंद कर दो, लिखोगे तो हाथ ऐसे थर 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 कांपेगा, यस या नो? आगे देखते हैं, हंस बत्तख के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए, अथवा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते समय अपने पैर गंवा दिए। ये सभी उदाहरण आपको उपार्जित विशेषताएं इस स्वरूप की होने के कारण ये पीढ़ी संक्रमित होती गई। लैमार्कवाद यही बोलता है कि इंसान का जो सिद्धांत है वो क्रमिक परिवर्तन होते गया है, और जो परिवर्तन उसके शरीर में होता है वो उसी के कारण होता है। हमारे पास भी बेटा पूंछ था, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, हट गया। हम भी बहुत सारी चीजें ऐसा कर सकते थे जो अलग जानवर कर सकते थे, पर उसका हमने धीरे धीरे इस्तेमाल बंद कर दिया, तो वो हमारे शरीर से धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हटते गया। यस या नो? आने वाले समय बेटा, पहले के लोग यहाँ से मुंबई यूपी तक पैदल जाते थे, अब हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मजाक नहीं सही बात है ये, अब हमारा चलना थोड़ा कम हो रहा है, हर जगह साइकिल गाड़ी मोटरसाइकिल चल रही है, आने वाले 60-70 साल बाद पैर का और कम, फिर और आगे आने वाले 100-150 साल बाद और कम, इसके बाद ये पैर पैर नहीं रह जाएगा, फिर तुमको गाड़ी चाहिए, फिर ये पैर तो खत्म। यस या नो? जब बेटा तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये चलेगा, यस या नो? तो यही लैमार्कवाद का भाग है, परिवर्तन जो शरीर में होता है उस इंसान के ऊपर, उस प्राणी के ऊपर निर्भर करता है, इसे ही क्या कहते हैं, लयमार्कवाद। क्या बोलते हैं? इन्होंने पहला ही लाइन बोला है, उत्क्रांति के समय शरीर की रचना में परिवर्तन होता है, और ये रचना उस सजीव के आलस और आलस के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ एग्जांपल भी उन्होंने बता दिए। इज दैट क्लियर? अब लैमार्कवाद आप पेपर में लिख सकते हो। किसी कुछ डाउट है? आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से शरीर अंगों का विकास अथवा प्रयत्न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होने मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जा सकते। इन्होंने क्या बोला, जैसे मैं मेरा हाथ, ये हाथ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, यस ये तो ठीक है, ये तो अब बंद हो जाएगा, ये तो तुम्हारा लैमार्कवाद है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल बंद किया, ये बंद। पर लैमार्कवाद ये भी बोलता है, ये जो हाथ इस्तेमाल बंद किया, अब मेरा जो बेटा या बेटी होगा उसका भी हाथ बंद हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। जो मैंने हाथ का इस्तेमाल बंद किया तो मेरे डीएनए में नहीं परिवर्तन हो गया, यस या नो? यस।
तो मेरे से होने वाला जो बच्चा होगा या बच्ची होगी वो उसमें ये सब परिवर्तन नहीं होगा। देखो यही बोला है, विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्न से शरीर अंग का विकास अथवा प्रयत्न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होने और मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ। यस या नो? इसकी बार बार जांच की गई तो लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत गलत साबित हुआ। पोपट हो गया इसका। नहीं, कुछ चीजें सही बोला। चीजें क्या सही थी? आप जैसे अपने शरीर को ढालोगे वैसा शरीर बनेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं। मैं अगर मेरा शरीर पत्थर बना लिया तो मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो भी पत्थर ही पैदा होगा, ये हो सकता है क्या? नहीं। उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो पत्थर बना सकता है, पर वो पत्थर बनेगा नहीं। जब करेगा तो अब बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। एक और सबसे अच्छा एग्जांपल इजी में, आंधड़े का बेटा आंधड़ा होता है क्या? देर आर टू आंधड़ा आंधड़ी, और उनके द्वारा जो बच्चा होएगा वो अंधड़ी होएगा? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यस या नो? यस। क्योंकि उनके डीएनए में थोड़ी ना अंधड़ा बना हुआ है ना? या तो फिर ऐसा लंगड़ का बेटा लंगड़ ही पैदा होना चाहिए तब तो। हाँ, गलत है कि सही? सही। अगर लैमार्क वाद की बात करूं मैं, लंगड़े का बेटा लंगड़ा ही होना चाहिए, ऐसा होगा? नहीं। हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। लैमार्क वाद क्लियर हुआ? अब इसमें किसी को डाउट है? आगे देखते हैं। सजीवों का जीवन काल में जो विशेषताएं उन्होंने संपादित की हैं, वे संतान की ओर संक्रमित हो सकती है, इसे ही संपादित गुणों का अनुवंश कहते हैं। फिर से देखो, सजीवों में जीवन काल में विशेषताएं उन्होंने संपादित की, वे संतान के संक्रमित हो सकती है। ठीक है, सपोज मेरे अंदर, मैं बचपन से ही बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत करता हूं, बहुत ताकत, बहुत शरीर बीरीर बनाया मैंने। हाँ, ये जो मेरी आदत है ये मेरे संतान में जा सकती है, पर तुम ये नहीं बोल सकते हो कि वो भी मेरे जैसे ही बनेगा। ऐसा जरूरी क्या? मेरा अगर मैं टीचर तो मेरा बेटा आने वाला टीचर ही पैदा होगा? ऐसा तो होता तो जज का बेटा जज पैदा होता, पूरा खानदान जज में पला हो गया होता। हो सकता है क्या? पर वो चीजें उसके अंदर है। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं तो वो लक्षण उसके अंदर है। अब उसके ऊपर है उसको डेवलप करना है कि नहीं। प्राणी जाति उद्भव क्या देखना है? प्राणी जाति प्राणी और वनस्पतियों की विभिन्न जातियों का निर्माण यह उत्क्रांति का ही परिणाम है। बोलते हैं कि जो प्राणी है और जो वनस्पति के बहुत सारे प्रजाति हैं, ये सब किसके ऊपर निर्भर करते हैं? उत्क्रांति के ऊपर। किसके ऊपर? उत्क्रांति के ऊपर। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। इसमें जो लिखा वो नहीं समझना है, मैं जो बोलता हूँ वो समझो। मैंने अभी इसके पहले एक बात बोला था, जो भी प्राणी है जो भी वनस्पति है अपने द्वारा अपने समान सजीवों का निर्माण करता है। वो प्रोसेस आपको मालूम है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो भी प्राणी है जो भी वनस्पति इवन वनस्पति भी अपने द्वारा अपने जैसा ही क्या करता है? अब सजीवों का निर्माण करता है। वही यहाँ पर बोला गया है, वो तुम समझ जाओ बस। प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। प्रत्येक जाति कौन सी भी जाति, वनस्पति होता है, आम का आया, आम खाया पका, गुटली उसका आया, आपने जा जमीन में डाला गुटली पड़ गया, अपने आप पेड़ आ गया। यस या नो? यस। तो क्या सर सबका प्रोसेस सेम होता है क्या? नहीं, सबका अपना अपना प्रोसेस है। हाँ, इधर ध्यान दो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब इधर देखो, उनका आहार विहार फलन क्षमता समागम काल आदि भिन्न होता है। वो क्या खाते हैं, क्या निकालते हैं, हाँ हाँ बोलो, पर कहां से निकालते हैं बेटा? वही तो, उनका प्रजनन सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ये सब चीजों में आप स्वरगुण हो तो मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बनी रहती है। मुझे एक बात बताओ बेटा,
आम के पेड़ से नीम का पेड़ आएगा नहीं, या नीम के पेड़ से आम का नहीं। इसका मतलब उनका वो भी अपने ही समान सजीवों का निर्माण करते हैं। नहीं ज्यादा मस्ती नहीं, जो पढ़ा वो समझो ठीक है, अब हंसो मत ज्यादा। परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के कारण जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। जनुक के बारे में सबसे पहले मैंने बता दिया था, जनुक एक समझ लो मेमोरी है, उसमें सब स्टोर रहता है। पेड़ वाले की जनुक पेड़ वाला उसमें रहेगा, इंसान वाले में इंसान, प्राणी वाले में प्राणी। तो बोलने का मतलब है जो भी प्राणी है, जो भी वनस्पति है, अपने ही समान बच्चों को पैदा करती है। सर वनस्पति का आम बता रहे, होता नहीं है क्या? आम के पेड़ से आम भी पैदा होता है, यस या नो? उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनी बदलाव से भी जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनी विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन, जाति उत्पीड़न होता है। देखो बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसके लिए कोई बीज उज की जरूरत नहीं होती। गुलाब का पेड़ लो काट दो लगा दो, लग जाता है कि नहीं? जरूरत है क्या उसमें? तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसमें कोई चीजों की, अब गन्ना है, गन्ने को भी गन्ना ही लाग दो, गन्ना उग गया, यस या नो? तो बहुत सारी चीजें, सबका अपना अपना प्रजनन का अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना स्टाइल है प्रजनन का। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ये समझ में आया जाति उद्भव? बोलने का ओवरऑल मतलब ये है जो भी वनस्पति है, जो भी प्राणी है, अपने ही समान जन्म देते हैं। अब देखना है मानवीय उत्क्रांति, क्या देखना है? मानवीय उत्क्रांति, इंसान आए कैसे, इंसान आए कैसे देखते हैं। उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोशिकीय सजीव से लेकर आज तक ज्ञात सभी जैव विविधताओं का सृजन हुआ दिखाई देता है। एक कोशिकीय पैदा हुआ था आज से 300 करोड़ साल पहले, जैसे अनु कहां पर? पानी में। आज तक जितने सजीव पैदा हुए एक कोशिकी से बहु कोशिकी तक सब हमको पता है। देखते आगे, इसमें मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त निम्न आकृति के द्वारा दिखाई गई। मानव कैसे, पहले क्या था रे? बानर, फिर थोड़ा सा बानर, थोड़ा फिर थोड़ा खड़ा हुआ, फिर एकदम थोड़ा, मुंडी नीचे बाकी सब ऊपर, फिर स्टेट, फिर स्टेट, पूरा स्टेट आज का इंसान, ऐसा नो? मतलब हम बोल सकते हैं बानर को देखा तो बोल सकते हैं हमारे दादाजी आ गए। क्या है वो? दादा। गोरिल्ला इज नथिंग बट इंसान, पूरा इंसान के जैसा गोरिल्ला होता है, यस या नो? अरे ये सब गोरिल्ला ही तो बोलेंगे ये लोग को, क्या बोलेंगे? गोरिल्ला। नहीं उतना मत चिंता, मालूम है इतना मत, चिंपांजी भी बड़ा होशियार होता है, आपने वीडियो देखा रहेगा, बहुत होशियार होता है वो। करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनो, करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ तब बंदर के जैसे दिखने वाले प्राणी, उनसे भी अधिक प्राचीन ऐसे थोड़े बहुत आधुनिक लेम्यूर के जैसे दिखने वाले प्राणियों विकसित हुए होंगे। आज से 7 करोड़ साल पहले, हिमालय कब बना है सर? 13 करोड़ साल पहले। बात कब हो रही है? 7 करोड़ साल पहले। तो 7 करोड़ साल पहले डायनासोर जब मरे हो रहे होंगे तो लेमुर नाम का एक बंदर बिंदर जैसा कुछ प्रजाति आई, फिर उन्हीं से, मुझे ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, उन्हीं से यहां पर बोला गया है विकसित हुए होंगे, होंगे है नहीं बोला है, मतलब यहां पॉसिबिलिटी है, इनको भी डाउट है। तो इस तरीके से इंसान का जो इवोल्यूशन हुआ रहेगा, मतलब उनकी उत्क्रांति हुई होगी। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ नष्ट हुई। ये देखो, उससे पहले और पहले ये रहा बंदर, पूंछ है थोड़ा सा बेटा, अभी थोड़ा सा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कितने साल पहले बेटा? 4 करोड़। कितने? 4 करोड़। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ, इतना बड़ा बड़ा मस्तिष्क देखा है ना गोरिल्ला को, उसका जितना हाथ है उतना तो आपका शरीर होएगा, इतना बड़ा बड़ा हाथ है, हाथ है कि हाथा है
वैसा ही खोपड़ी नहीं खोपड़ा है। ध्यान दो आगे, हाथों के पंजों में सुधार हुआ तथा वे एक जैसे प्राणी बने। पहले इतना बड़ा बड़ा हाथ था, अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो गया। आज भी एक इंसान है, आम रेसलिंग में सुल्तान है, बहुत बहुत महारत हासिल है उसका बेटा। हाथ ऐसा है, इतना बड़ा बड़ा हाथ है, लोगों को लगा बीमारी है, पर बाद में साइंटिस्ट ने चेक किया, बीमारी सुमारी कुछ नहीं, नॉर्मल हाथ है। आपका दो हाथ तीन हाथ उसका एक उंगली, इतना बड़ा जब वो पंजा पकड़ता है बेटा, वो पंजा उसके रपेट के रिटर्न आ जाता है उसके हाथ में। ये सब आम हम, ये तो जैसा लग रहा है दानों का है बेटा, ये सही बता रहा हूं मैं तो। ये चीजें बताना चाह रही है कि बाबा तुम भी उसी आदिवासी से आए हुए हो। आगे देखते, कालांतर में यह शुरुआत एक जैसे प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुंचे तथा अंत में गिबन तथा ओरंग उटान में उनका रूपांतरण हुआ। ये नाम बता रहे हैं, धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ। यस या नो? शेष एक जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी हुए। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व चिंपांजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? चिंपांजी तथा गोरिल्ला। कितने साल पहले बेटा? 2.5 करोड़। कितना? 2.5 करोड़। आगे देखते हैं, बात जी करो, बड़बड़ मधुमक्खी बन गए हो क्या सर? तुम लोग की प्रजाति मधुमक्खी की थी क्या? चुपचाप बैठे रहो भी। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व एप की कुछ जातियों का विकास भिन्न रूप में होता हुआ दिखाई देता है। अन्न ग्रहण करने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए उनके हाथों का अधिक उपयोग होने लगा। पहले हाथ भी इतने सीधा मुंह ही जाता था, अब थोड़ा हाथ का उपयोग। एक बार बताओ ना बेटा, कहां पर हुआ था? अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका वाले लोग को देखो तो लगता भी है आदिवासी, वो लोग है थोड़ा चिंपांजी जैसा। वो लोग का ओट बीट देखो ना कितना बड़ा बड़ा रहता है, लामड़े लामड़े शरीर देखो जैसे सांड जैसा रहता है। फिर गलत बोल रहा हूँ क्या? उनका ओट बीट देखो जैसे सही में लग रहा, उठ के आए भाई लग रहा वही। उनका उनकी प्रजाति अभी भी परिवर्तन हुई? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000 करोड़ 7 करोड़ लेम्यूर जैसे प्रजाति दिख रहा है, जैसा बांदर दे, बंदर नहीं है पर बंदर जैसा है, 7 करोड़ साल पहले। उसके बाद 40 लाख क्या इकाई दहाई सैकड़ा 10,00,000 10,00,000 करोड़ 4 करोड़ साल पहले ऐसा आया, मतलब चिंपांजी जैसा। उसके बाद 2.5 करोड़ साल पहले गोरिल्ला हो गया। उसके बाद 1 करोड़ साल पहले थोड़ा सा दो हाथ दो पैरों पर चलने लगा, मुंडी मिंडी देखो वैसे ही अभी भी। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये थोड़ा सा अच्छा है, 40 लाख साल पहले, जो कि अब देखो औजार बनाए। यस या नो? यस। उसके बाद कुशल मानव कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000 20 लाख साल पहले। मैंने बोला था ना एक मानव का निर्माण हुआ था 20 लाख साल पहले, हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है लगभग। ये थोड़ा हुशार मानव था, क्या था? हुशार। उसके बाद आता है 15 लाख साल पहले, आप देखो पूरा तान के खड़ा एकदम। उसके बाद ये तो पूरा अच्छे से 1.5 लाख, और देखो ये 50 क्रो मैनो मानव, ये पूरा एकदम अब तो किसी को मार ही देगा जैसा लग रहा है। और अभी भी बेटा आपको क्या लगता रहेगा, उत्क्रांति रुकी पड़ी है? नहीं, अब उत्क्रांति अभी भी चल रही है, धीरे धीरे मानव के शरीर में परिवर्तन होते जा रहे हैं। पहले कितने बड़े बड़े थे, कितने शक्तिशाली थे, अब देखो धीरे धीरे मानव भी छोटे होते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? बड़बड़ाओ जी लास्ट बेंच। शुष्क होने वाले वातावरण के कारण जब जंगल नष्ट होने लगे, ये ऐसा जीके पढ़ो, ये सब पेपर में आता नहीं, पर जीके जैसा पढ़ो बेटा काम आएगा। शुष्क होने वाले वातावरण, गर्मी वाले वातावरण के कारण जंगल नष्ट हुए, तब एक पेड़ों से उतरकर नीचे आए। वो इंसान जब सूखा पड़ने लगा तो पेड़ से उतर के कहां आए? नीचे, बंदर नीचे आया। उनके कमर की हड्डियों का विकास इस तरह से हुआ कि वे घास वाले प्रदेश में सीधे खड़े रहने लगे। पहले बेटा जब पेड़ कट गया तो फिर नीचे आना पड़ेगा,
अब कितना दिन चार पैर पे चलेंगे, कभी कभी धीरे 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 उठ के दो पैरों पे चलने लगे और रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधी होने लगी। तब उनके हाथ किसी भी उपयोग में लिए स्वतंत्र हुए। तो जब बेटा दो पैर पे खड़े हुए तो हाथ अब क्या हो गया, स्वतंत्र। तो ऐसा थोड़ी ना है चल तू हाथ का इस्तेमाल करते रहोगे मालूम है अभी तू इंसान बन गया, ऐसा थोड़ी ना होगा रहेगा। चलते 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 कभी ऐसा पत्थर उठाया रहेगा, अरे बाप रे बाप, सामने वाले का सर फोड़ा रहेगा, मतलब हाँ ये अब ताकत बन सकता है। ये हाथों का उपयोग करने वाले, सीधे खड़े रहने वाले मानव सदृश प्राणी लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। बाप रे, ये आईएमपी क्वेश्चन है थोड़ा सा। सीधे से खड़े होने वाले, हाथ का इस्तेमाल करने वाले मनुष्य कब आए? 2 करोड़ वर्ष। कितने करोड़? 2 करोड़ वर्ष। मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित हमारे पास है, जो पूर्व अफ्रीका के उत्तर भारत के रामापिथेकस इस ऐप की है। बाप रे बाप, ये रामापिथेकस कितने साल पहले आया था रे बाबा? ये रहा 40 लाख साल पहले। ये 40 नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये है 1 करोड़ साल पहले। बेटा इसके द्वारा की गई आकृति आज भी अफ्रीका में है। कहां पर है? मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित अभिलेख, वह लेख जो किसी कठोर चीजों पर लिखा जाता, बताया था हिस्ट्री में, यस या नो? वो चीजें अफ्रीका के उत्तर भारत के रामापिथेकस इस ऐप की है। उसने कुछ उस पे लिखा था, वो आज भी है, 1 करोड़ साल पहले का बात है। आगे देखते हैं, आगे चलकर यह ऐप आकार में बड़ा हुआ, अधिक बुद्धिमान हुआ। करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के ऐप का विकास हुआ, 40 लाख वर्ष पूर्व। समझ में आ रहा है? किसी कुछ डाउट है इसमें? तो 2 करोड़ साल पहले खड़े होकर और हाथ के इस्तेमाल करने वाले इंसानों का उत्पन्न हुए। आगे देखते क्या है। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदृश प्राणी की रचना मानव इस प्रजाति के सदस्य जैसी, अपने करीब जैसी दिखाई देने वाले इस तरह के कुशल मानव तैयार हुए, जिन्हें कहते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? ऐसा मनुष्य जो सोच समझ सकता था। पहला खोपड़ा बड़ा था, अब धीरे धीरे छोटा अपने रेंज में आना शुरू हो गया, जिसे कहते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। वह मनुष्य, वह प्राणी जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है। वो धीरे धीरे बता आ जाता, अभी देखो बहुत सारे ऐसे इंसान हैं अभी भी उनके शरीर में बाल है, पर धीरे 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 अपने आप नष्ट होने लगे। अरे तुमको तो मैं एक बात बताता हूँ, दूर की बात छोड़ो, मैं जहां रहता हूँ वहां तबेला है भैंस का, बेटा उनको देख के लगता ही नहीं भैंस है, गोरा गोरा गाय जैसे दिखते हो लोग। क्यों? अरे जब धूप में जाएंगे ही नहीं, एक पत्रे के नीचे रहेंगे, पंखे में रहेंगे और हरदम धुलाई होगा रगड़ रगड़ के, तो बेटा काला तो गोरा। तो ये भी परिवर्तन है। ये क्या है? परिवर्तन। आगे करीब करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। कितने? 15 लाख, और एकदम सीधा चलने लगा। यस या नो? यस। उनका एशिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया इस भाग तक अधिवास रहा। एशिया तक आ गए, चाइना तक आ चुके थे, पैदल चलते थे, काम ही क्या था? और कुछ काम था? पीएचडी डिग्री कंप्लीट करनी थी, जहां जो मिला मार काट के खा के खत्म कर देना है। आगे देखते हैं। करीब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होते रहा तथा उसे अग्नि के उपयोग की खोज निकाला। सबसे पहले आग का हुआ था, याद है कि नहीं? आग की खोज हुई थी, गलती से किसी पत्थर में पत्थर पटका, चिंगारी निकली, आग लग गई पूरे जंगल में, वो लोग डर गए, बोले ये क्या है। जब आग का खोज हुआ तो धीरे 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 पत्थर से पत्थर पटक के फिर वो लोग भी आग बनाना शुरू किए, आग को अस्त्र बनाए। तो पहले वो लोग आग का इस्तेमाल करते थे तो एक बार आग लगा बुझाने आता ही नहीं था, मार दिया पूरे जंगल साफ। अब इसको बुझाए कैसे? तो धीरे धीरे बुद्धि आई कि आग को कंट्रोल कैसे करें, पानी से करें।
तो धीरे धीरे फिर वो लोग ने जो मांस ऐसे ही कच्चा चबा जाते थे सब, अब भूज भूज के खाना लगे। फिर भूज भूज के खाना शुरू किए तो फिर अभी अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किए, शेर और आया ऐसा दिखाओगे तो भाग जाते थे। यस या नो? अंधेरे में रहते थे तो गुफा में आग लगा के उजाला कर दिए। इस तरीके से धीरे 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 मानव का विकास हुआ। पर ये विकास कैसा है बेटा? क्रमिक। कैसा है? क्रमिक और निरंतर विकास है। आगे करीब 50,000 वर्ष पूर्व मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था, जिसे होमो सेपियंस इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य हो चुका था। बोला था ना, होमो सेपियंस वह मनुष्य है, वह प्रजाति है जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। इज दैट क्लियर? यस सर। नियांडरथाल मानव या बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण बन गया। ये मानव है, नाम रखा गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व क्रोमैग्नो मानव अस्तित्व में आया, उसके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा तीव्र गति से हो गया। फटाफट फटाफट धीरे 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 उत्क्रांति का सिद्धांत आते गया। आज देखो कैसा इंसान पैदा हो गया। आज गोरे गोरे काले काले, कभी कभी मीडियम मीडियम, और कोई तो ऐसा एकदम सफेद, कोई तो एकदम कोयला भी। तो इस तरीके के इंसान धरती पर आने लगे। क्या सर उत्क्रांति बंद हो गई? नहीं, उत्क्रांति आज भी चल रही है और निरंतर चलते रहेगी। करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा। यस, अब आता है बेटा, सबसे पहले 20,00,000 साल, जिसे कहते हैं नव, बोलते ना ये नव पाषाण काल है, वो पूरा पाषाण काल था। 20,00,000 साल पहले वाले को पूरा पाषाण काल कहते हैं। सर ये थोड़ा हिस्ट्री का शब्द है। पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। कब था? 20,00,000 साल पहले। कब था? 20,00,000 साल पहले। फिर आया मध्य पाषाण काल, जो कि 12,000 साल तक था, 12,000 से लेकर के 20,000 साल। तो ये जो काल था, इसमें भी मनुष्य रहता था। फिर आता है बेटा ये जो आपका आ गया नव पाषाण काल आता है। 12,000 साल पहले आपके ये वातावरण में ऐसा परिवर्तन हुआ, पहले खेती करने योग्य वातावरण नहीं था, बाद में परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन हुआ तब धीरे धीरे खेती होना शुरू हो गया, जिसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। 10,000 साल पहले। नव पाषाण काल कब आया था? 10,000 साल पहले। उस समय वातावरण में ये परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से खेती करना शुरू हो गया, और धरती पर सबसे पहले खेती हुई थी कपास की 7,000 साल पहले। किसकी खेती हुई थी? मेहरगढ़ में ये एक इलाका है, वहां पर सबसे पहले कपास की खेती हुई थी। कब सर? 7,000 साल पहले, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं, जानवरों के झुंड पालने लगा। सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। इंसान ने सबसे पहले अगर किसी जानवर को पाला, उसका नाम कुत्ता। उसके बाद भेड़, फिर बकरी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया। बस्ती पहले एक जगह से दूसरे जगह, जिसे बोलते ना एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर एक जगह टिकने लगे, वातावरण में परिवर्तन हुआ, खेती करने लगे, जानवरों को पालने लगे, और इस तरीके से एक जगह बस्तियां बनाने लगे। करीब 5,000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का आविष्कार हुआ तथा इतिहास की शुरुआत हुई। बेटा 5,000 साल पहले आपका ये पढ़ा देगा, ये आपका इजिप्त का इतिहास पढ़ा है? नहीं। नील नदी का इतिहास? नहीं। जो सबसे पहला इतिहास है नील नदी के, यहाँ पर एक जो चालू हुआ था, जैसे अपने इधर हड़प्पा सभ्यता है, वहां पर नील नदी की सभ्यता जब स्टार्ट हुई थी, आज से कम 4000 BCE में, 4000 ईसा पूर्व में, सबसे पुराना है बेटा वो सभ्यता। वहां पर लोग रहते थे, घर में रहते थे, ऐसे इस तरीके से रहते थे। इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2500 ईसा पूर्व में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और मोहनजोदाड़ो सभ्यता कहते हैं। ये लोग ईंट के घर में रहते थे। किसके घर में? ईंट के। इनकी जो नियोजन की पद्धति थी बहुत उच्च क्वालिटी थी। मल मूत्र का अलग से नलियां बनी होती थी, पानी नहाने वाले पानी अलग जा रहे, पर मल मूत्र अलग, मतलब इतना सिस्टम होता था। धन्यगार बड़ा बड़ा सब बेटा मिला है,
जब खुदाई की गई जमीन की तो ये सब चीजें हमें मिली। उस समय धान वगैरह चावल की आज से नहीं 2500 साल पहले की बात, अगर आज का गणना किए आज से 4500 साल पहले ये सब हमें प्राप्त हुआ। इस सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता। आगे देखते हैं, करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ तथा 200 साल पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। बेटा औद्योगिकीकरण स्टार्टेड इन इंग्लैंड। औद्योगिकरण कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी में। यस या नो? यस। सबसे पहला औद्योगिकरण में किसका? भाप के इंजन। किसका? भाप के इंजन। इसमें किसी को डाउट है? इस तरीके से धीरे धीरे उनका उत्क्रांति का सिद्धांत हुआ। तो हमारी सभ्यता 2500 साल पहले से शुरू हुई है भारत में, जिसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता थी उसे कौन सी सभ्यता कहते हैं? सिंधु घाटी। उस समय के लोग बेटा समझो ईंट के घर में रहते थे, और आज से बिहार में यूपी में 80 साल पहले चले जाओ, वहां ससुरा ईंट का घर कोई था ही नहीं, मिट्टी का घर था। ये क्या? इसे मैं डेवलपमेंट समझू कि गिरता हुआ समझू? भारत का इतिहास ऐसा है, 4500 साल पहले हम ईंट के घर में रहते थे, और आज से 70-80 साल पहले, अरे मेरा घर खुद मिट्टी का घर था पहले। तो ये इतिहास कैसा है कि जहां 4500 साल पहले ईंट में रहते थे, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है, गांवटी नहीं है। ध्यान में रखना एक बार, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। वहां के लोग ईंट में रहते थे और हम 70 साल पहले मिट्टी के घर में रहते थे। अधिकतर घर कैसे होते थे? मिट्टी के। और वो सभ्यता में सब घर इतने अच्छे, वो भी पकी हुई ईंट, कच्ची वो भी नहीं, समझ में आ रहा है? और नियोजन पद्धति इतनी अच्छी थी कि पूछो मत। धान्य का धन के लिए अलग, खाने पीने का सामान अलग स्टोर करके रखते थे। इतने बुद्धिमान मानव तब से थे, आज से नहीं। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? No, बेटा बुद्धिमान कैसे बोल रहे हो सर? आज से 1500 साल पर, आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व में इतनी मोटी मोटी बुक लिख दिए जो आज इंसान नहीं पढ़ पा रहा है, तो बुद्धिमान नहीं थे? यस या नो? इतनी मोटी मोटी जो ऋग्वेद है दुनिया की सबसे पहली पुस्तक, इतना बड़ा बड़ा 1500 ईसा पूर्व में लिख दिए, पहले के लोग बुद्धिमान नहीं थे? थे। आज ढेर बुद्धिमान हो गए। क्या हो गए? ये फर्क था पहले के मनुष्य में और आज के। बुद्धिमानी बताता हूं बेटा दो लाइन में। आज के मनुष्य इतने बुद्धिमान है कि अगर मंगल पे मंगल पढ़ना हो, मंगल के बारे में जानो, मंगल पे जाना पड़ता है। और पहले के इंसान ऐसे थे, अगर मंगल के बारे में जानना है तो घरों में बैठ के बता देते मंगल का क्या स्थिति है। ये हमारी बुद्धिमानी थी, बैठे बैठे पूरा 9 ग्रहों की स्थिति बता देते थे घर में बैठ के। और आज आज वहां जाना पड़ता है, इतनी पता नहीं क्या दूरबीन लगा दिए, देखो भाई कौन से कहां पर है। यस या नो? यस। और हम ऐसे हैं जो घर के अंदर एक पत्र खोलते हैं, उस पत्र में फटाक से बता देते कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र कहां पे कैसा सिस्टम है। तो बताओ ये हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे। इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या इस चैप्टर में किसी को डाउट है? नो सर।